रेडी, 3, 2, 1 शुरू। न्यायालय के द्वारा अनुपालित प्रक्रिया नियमित रूप से निर्धारित की जाती है एवं उनके कार्यों का निर्वहन करने में एवं उनकी शक्तियों का प्रयोग करने में न्यायालयों को उस प्रक्रिया के अनुकूल होना पड़ता है। विराम। प्रक्रिया जो न्यायाधिकरणों को अनुपालित करनी है हमेशा इतनी सख्ती से निर्धारित नहीं हो सकती है, लेकिन दोनों न्यायालयों एवं न्यायाधिकरण द्वारा अपनाया गया अभिगम सारभूत तौर से वही है एवं कार्यों के बीच में कोई आवश्यक अंतर नहीं है जो वे निर्वहन करते हैं। विराम। जैसा कि न्यायालयों के मामले में उसी तरह से न्यायाधिकरणों के मामले में यह राज्य का अंतर्निहित न्यायिक कार्य है जो वे निर्वहन करते हैं। न्यायिक कार्य न्यायिक शक्तियां एवं सत्ता संपन्न राज्य के आवश्यक लक्षणों में से एक है। विराम। नीति के विचार पर राज्य संविधान के द्वारा संस्थापित न्यायालयों को मुख्यतया अपने न्यायिक कार्यों एवं शक्तियों द्वारा अंतरित करता है, लेकिन पक्षकारों के बीच विशिष्ट मामलों एवं विवादों पर न्याय निर्णयन करने के कार्य को उनको सुपुर्द करने के द्वारा न्यायाधिकरणों को अपनी न्यायिक शक्ति एवं कार्यों के एक अंश को अंतरित करने को समुचित कार्यवाहियों के द्वारा राज्य की सक्षमता को प्रभावित नहीं करता है। विराम। पैरा। प्रार्थना की साक्ष्य को विस्तृत तौर पर पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अन्य अभियुक्त गण क्रमशः राजेंद्र, श्रीमती कृष्णा, मनोज एवं अभिषेक के अविरुद्ध धारा 406, 467 ए, 323, 384 व 120 बी भारतीय दंड संहिता के तहत पृथक से प्रसंज्ञान लिया जाकर कार्यवाही अमल में लाया जाना न्यायहित था। बावजूद इसके प्रार्थिया की साक्ष्य पर गौर नहीं कर विचारण न्यायालय ने जो प्रार्थना पत्र दिनांक 26/9/2019 को खारिज करते हुए आदेश पारित किया, वह आदेश दिनांक 26/9/2019 अपास्त किए जाने योग्य है। विराम। प्रार्थिया ने मुकदमा दर्ज करवाया, उस वक्त अनुसंधान अधिकारी ने बयानों के साथ छेड़छाड़ कर धारा 161 CRPC के बयानों को मनमाफिक तरीके से लेकर अभियुक्त गणों को बचा दिया है, तो ऐसी दशा में प्रार्थिया के पास मात्र इस स्टेज के अलावा और कोई विकल्प मौजूद नहीं था। विराम। प्रार्थिया ने विधिवत समय पर जो प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 216 व 319 CRPC पेश किया, वह विधिवत पेश किया है। विराम। प्रार्थिया को इस स्टेज से पूर्व ऐसी कोई स्टेज प्राप्त नहीं थी जहां पर
प्रार्थिया अनुसंधान अधिकारी द्वारा की गई गड़बड़ी में सुधार करवा सके विराम। यदि अनुसंधान अधिकारी द्वारा मामले में लीपापोती कर अभियुक्त गणों को बचाया जाएगा तो प्रार्थिया को मात्र यही विकल्प प्राप्त था कि वह धारा 216 व 319 CRPC के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर सही वास्तविक स्थिति को सामने लाया जा सके विराम। यह फौजदारी निगरानी याचिका द्वारा आदेश दिनांक 26/9/2019 जो कि महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 2 जोधपुर महानगर स्टॉप।